Hello guys, I am Sandeep Nehra, PGT Political Science, Oxford Public School. We are discuss about special scheme of assessment for board exam 2021-22. अभी हाल ही में कल यानी CBSE ने क्या है एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जिस तरह से क्या है प्लस वन प्लस टू और टेंथ नाइन्थ के एग्जाम होते थे उसमें कुछ चेंजेस कर दिया गया है और इसको सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया। इसके पीछे रीजन्स बताया जा रहा है कि इस ईयर के अंदर जो रिजल्ट बनाए जा रहे हैं उस रिजल्ट में CBSE को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों का कम्प्लीटली पोर्टफोलियो तैयार नहीं है, उनकी कोई असेसमेंट रेडी नहीं है, काफ़ी स्कूल्स के पास इस तरह की सिचुएशन आ रही है। मेनली अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की तो इस तरह की सिचुएशंस क्या है काफ़ी आ रही है। इसलिए नेक्स्ट ईयर में किसी भी तरह की कोई पेंडेमिक सिचुएशन अगर इशू हो जाती है तो इसीलिए पहले ही CBSE ने उसको लेकर के क्या है एक स्पेशल स्कीम बताई, यानी कि 2021 और 22 हो सकता है ये आगे इम्प्लीमेंट और हो सकता है ये आगे इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन 21 और 22 के लिए क्या है इम्प्लीमेंट इसको किया गया है कि जो 10th और प्लस टू का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसको सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया है। दूसरा क्या है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 20 में वो भी कहती है कि सेमेस्टर सिस्टम को क्या है हमें स्टार्ट करना चाहिए 12th क्लास में और 10th क्लास में भी, यानी सभी क्लासेज में सेमेस्टर सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए इस सिचुएशन को देखते हुए क्या है इसको स्टार्ट किया गया सेमेस्टर सिस्टम को। अब ये सिस्टम यानी ये पॉलिसी कहती क्या है, यानी किस तरह से आपके 10th के एग्ज़ाम होंगे और किस तरह से आपके 12th के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 10th के एग्ज़ाम का बेस एज इट इज़ वैसे ही रखा जाएगा जैसे 9th का है और 11th और 12th का एग्ज़ाम का बेस ऐसे ही रखा। पहले बात करते हैं हम क्लास 10th की, तो सबसे पहले तो इन्होंने पूरे टर्म को पूरे के पूरे जो एनुअल होता था पहले उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। फर्स्ट टर्म का इन्होंने टाइम पीरियड दिया है नवंबर के आसपास एग्ज़ाम होंगे, मे बी आपको पता है कि अब वो 30 डेज के आसपास क्या है एग्ज़ाम चलते हैं तो नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड दिया गया है और टर्म सेकंड के लिए मार्च एंड अप्रैल का टाइम दिया गया। और ये CBSE ने क्लियर कहा है कि किसी भी तरह की सिचुएशन रहती है चाहे वो पेंडेमिक सिचुएशन रहती है चाहे नहीं रहती है आपका जो सेशन है वो मार्च अप्रैल में कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी भी किसी भी इशू को लेकर के उसको लेट नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अब क्या है आप सोच रहे हो जुलाई आ चुकी है अभी तक तो 12th के रिजल्ट में और 10th के रिजल्ट का अभी तक अता पता नहीं है, तो इस सिचुएशन से निजात पाने के लिए क्या है मार्च और अप्रैल में फाइनल दे दिया गया है कि यहाँ उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। अब किया क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कंप्लीटली लिखा है 31st मार्च को जो सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया यानी सिलेबस दिया गया है 10th और प्लस टू का वही सिलेबस रखा गया उसको 50-50 कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसमें फाइनलाइज नहीं हुआ है कि 10th और प्लस टू जो बोर्ड क्लासेज है उनको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, यानी किस क्लास के लिए कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में रखे जाएंगे कौन से चैप्टर क्या है सेकेंड में, और मे बी नेक्स्ट वीक तक क्या है इसके बारे में जल्दी ही आ जाएगा। तो 50-50% क्या है सिलेबस कर दिया अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है और स्कूल ओपन हो जाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि दोनों का जो रिजल्ट है वो 50-50 ही ऐड किया जाएगा, ठीक है 50% जो इस एग्ज़ाम में क्या है आपको मिलेंगे और 50% इस एग्ज़ाम में जो मिलेंगे दोनों का टोटल करके क्या है आपका रिजल्ट दिया जाएगा अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो। अब जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होगा, यानी उसके अंदर किसी भी तरह के MCQs क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, असेसमेंट्स वाले भी हो सकते हैं, रीजनिंग वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो MCQs होगा और वो 90 मिनट्स का कहा गया है, यानी उसमें 90 क्वेश्चन रखने की बात हो सकती है इसको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है और ये पूरा का पूरा जो पेपर है OMR सीट के ऊपर होगा, यानी कि आपको किसी भी तरह के रिटर्न वर्क नहीं करना है। जो सर्कल आते हैं इस तरह से सर्कल आते हैं 4 ऑप्शंस के लिए, इनमें से किसी एक सर्कल को डायरेक्ट करना होता है तो OMR सीट के ऊपर ये सर्कल किया जाएगा। ये स्कूल में भी हो सकता है, ये आपके होम स्कूल यानी जो आपका खुद का स्कूल है उसमें भी हो सकता है, एग्ज़ाम सेंटर में भी हो सकता है, और अगर सिचुएशन क्या है क्रिटिकल हो जाती है पेंडेमिक हो जाती है इस तरह की सिचुएशन आ जाती है COVID-19 की सिचुएशन और बढ़ जाती है तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है या आपके फ्रॉम होम भी हो सकता है। तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन होगा कंपलसरी ये फाइनल है, उसके बाद जो OMR है वो CBSE द्वारा चेक की जाएगी और आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दूसरा है टर्म सेकंड, टर्म सेकंड के अंदर MCQ को हटा दिया गया, इसको ईयर एंड एग्जाम भी कह सकते हैं, ये 2 hours का होगा अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो, ठीक है अगर स्कूल्स वगैरह ओपन हो जाते हैं सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो ये क्या हो जाएगा 2 hours का एग्ज़ाम इसमें रखा जाएगा जिसके अंदर क्या है आपके शॉर्ट आंसर टाइप है वेरी शॉर्ट है
पहरा बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, या जैसे भी है लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी के सभी जैसे पहले आते थे वैसे ही रखे जाएंगे और इसका भी 50% सिलेबस रखा है। इन दोनों को मिलाकर के आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये तो हो चुका है थ्योरेटिकल पेपर के बारे में। अब लगती है आपकी इंटरनल असेसमेंट। अब 10th क्लास के अंदर 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती है। अब इंटरनल असेसमेंट के लिए भी क्या किया गया है, पूरा का पूरा एक तरह से सर्कुलर में कंप्लीट कहा गया है कि 2 ईयर्स के अंदर, यानी 2 सेमेस्टर के अंदर, यानी पूरा का पूरा जो कंप्लीट ईयर होगा उसके अंदर 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे जो आपकी इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताएंगे किस तरह से, जैसे पहले भी क्या है 3 पीरियोडिक टेस्ट का रखा गया। इनको स्कूल अपने बेस के ऊपर लेगा, यानी ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर सिचुएशन सही नहीं होती है, और ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का इनरिचमेंट है, उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, उसका जो प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग में, और जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है इनको डिवाइड किया जा सकता है 5-5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, इस तरह से इनको डिवाइड करके 20 में से कंप्लीट इंटरनल असेसमेंट बनाई जाएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा। ये तो है क्लास 10th के लिए। अब प्लस 2 के लिए बात करते हैं। प्लस 2 में भी यही है, 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। फर्स्ट टर्म में वही है, नवंबर दिसंबर का टाइम दिया गया है और इसके लिए मार्च अप्रैल का टाइम दिया गया है। वही इसमें एमसीक्यू होगा कंप्लीटली, 90 मिनट्स का होगा, ओएमआर सीट के ऊपर होगा कंप्लीटली, जैसे 10th का रखा गया है। और ये वही क्या होगा, ईयरली किसके ऊपर होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस बेस के ऊपर होगा, 2 हावर्स का होगा और रिटर्न होगा, आपके एग्जाम सेंटर जो भी होते हैं, आपके नियर बाई एग्जाम सेंटर आते हैं उन सेंटर्स के अंदर होगा। ये तो है एग्जाम के बारे में। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब तो स्कूल ओपन हो जाते हैं, ये अच्छे से पेपर हो जाता है, एग्ज़ाम सेंटर में हो सकता है या स्कूल में हो सकता है, जैसे भी है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन दोबारा से ख़राब हो जाती है और पेंडेमिक हो जाती है, तो क्या होगा, या अब ख़राब रहती है नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद ओपन हो जाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन में सुनिए, अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं, सारी सिचुएशन नॉर्मल रहती है, तो दोनों के 50-50% मार्क्स को ऐड किया जाएगा। अगर नवंबर दिसंबर तक बाई चांस क्या है किसी तरह की सिचुएशन और ज़्यादा पैंडेमिक हो जाती है, और कुछ एरिया, मैं सब जगह नहीं कह सकता, कुछ एरिया जहाँ पर कोविड-19 ज़्यादा है वहाँ पर स्कूल क्लोज रहते हैं, तो इस सिचुएशन में इसकी जो परसेंटेज है उसको कम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर बच्चे स्टडी सेंटर, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके अंदर या अपने स्कूल में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और फ्रॉम होम वो एग्ज़ाम देते हैं, तो इसकी परसेंटेज को कम कर दिया जाएगा। ये 20 भी रखी जा सकती है, 15 भी रखी जा सकती है, 30 भी रखी जा सकती है, और बाकी जो परसेंटेज है इसकी इन्वॉल्व की जाएगी इंटरनल के अलावा। अगर मान लीजिए अब ओपन हो जाते हैं और बाद में क्या है सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, तो इसकी परसेंटेज को कम कर दिया जाएगा, इसकी परसेंटेज को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो दोनों ही एग्ज़ाम क्या है, स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि इस एग्ज़ाम को ज़्यादा नहीं अच्छे से लेना है, इस एग्ज़ाम को ये ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के लिए इक्वल सिलेबस डिवाइड होगा और दोनों ही क्या है इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर सिचुएशन दोनों में ही ख़राब रहती है, थोड़ा सा नेगेटिव सोचिए, मार्च अप्रैल तक सिचुएशन खराब रहती है और स्टूडेंट्स को फ्रॉम होम ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो क्या होगा, तो क्या है, आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है ये एग्ज़ाम है फ्रॉम होम और साथ में इंटरनल असेसमेंट है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्या है साथ में तैयार किया जाएगा। ये पोर्टफोलियो कैसे तैयार होगा इसके बारे में भी बताएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करके देख करके फिर ही क्या सीबीएसई द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि किससे कितना परसेंटेज उठाया जा सकता है। अब इंटरनल असेसमेंट तो आपको 20 ईजिली है वो बता दिया, अब क्या है बारी रहती है 12th में। अब 12th में प्रैक्टिकल्स भी होती हैं, प्रैक्टिकल्स होंगी तो वो कैसे होंगी, या जिसके अंदर प्रोजेक्ट है या असेसमेंट है तो वो कैसे है, इसके लिए भी अलग अलग है, यूनिट टेस्ट है जैसे मैथ वगैरह है। अब जो सिलेबस मार्च 2021 के अंदर डाला गया है उस सिलेबस में लिखा गया है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको यूनिट टेस्ट लेना है, प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं, या वाइवा बेस्ड होगा या प्रैक्टिकल्स होगी, वो सभी लिखा होता है, रिटर्न के अंदर आता है पहले। तो यूनिट टेस्ट है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्टिविटीज़ है, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे एज इट इज होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में प्रोजेक्ट वर्क होता है, मैथ्स के अंदर क्या यूनिट टेस्ट होता है, इंग्लिश हिंदी वगैरह है उसके अंदर टेस्ट वगैरह लिए जा सकते हैं, और इसके अलावा आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनके अंदर प्रैक्टिकल्स होती हैं प्लस असाइनमेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। और इन सब को लेकर के एक स्टूडेंट का, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, एक पोर्टफोलियो साथ के साथ तैयार किया जाएगा, जैसे अभी से ही
यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, उससे पहले क्या है मतलब स्कूल किसी भी बेस पे उस हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा, यानी कि पूरा का पूरा डाटा उस बच्चे के साथ पास होना चाहिए के लिए होना चाहिए, चाहे उसको क्या है डिस्टेंस एजुकेशन की तरह ही प्रोवाइड क्यों ना करवाया जाए। अब इस साल क्या सिचुएशन आ रही है, काफ़ी स्कूल्स क्या है कोर्ट के अंदर जा रहे हैं या जा रहे हैं कि हमने बच्चों से ये कुछ करवाया नहीं क्योंकि बच्चे स्कूल में आए ही नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन। अब स्टूडेंट स्कूल में आए या न आए, सिचुएशन क्रिटिकल रहे या न रहे, किसी भी सिचुएशन हो कैसी भी हो, स्टडी है ऑनलाइन चले ऑफलाइन चले कैसे भी हो, हर स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो क्या है CBSE के IT सेल पे टाइम टू टाइम क्या है अपलोड करना जरूरी है, यानी उसकी एक डिजिटल फॉर्मेट बनाया जाएगा जिस डिजिटल फॉर्मेट के अंदर उसके यूनिट टेस्ट के बारे में पीरियोडिक टेस्ट के बारे में साथ की साथ क्या है अपलोड करना है, ताकि CBSE को बाद में ये सब चीज़ें मंगवाने की नौबत ही ना आए। अगर मान लीजिए मार्च तक ही क्या है ये COVID-19 की सिचुएशन पेंडेमिक हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो पोर्टफोलियो पूरे पोर्टफोलियो को देखेगा कि उस पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स ने क्या है एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए, उन्होंने स्कूल के द्वारा जो प्रैक्टिकल्स है या जो प्रोजेक्ट है वो करवाए गए थे वो किए हैं या नहीं किए, तो ये पोर्टफोलियो क्या है स्कूल के द्वारा टाइम टू टाइम CBSE के IT के ऊपर क्या है दिया जाएगा जो पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्मेट होगा जिसको कोई बाद में चेंज भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या है आपके जैसे एग्ज़ाम अभी पीरियोडिक एग्ज़ाम है या दूसरे एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम क्या है इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये आपका क्या है स्पेशल स्कीम जो दी गई थी वो है इसके बारे में जो सिलेबस है वो मे बी 15 जुलाई के आसपास तक क्या है CBSE के द्वारा CBSE की साइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।